नमस्ते किसान भाइयों, मैं विक्रम तोमर आपकी अपनी फसल समाधान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में अगर ज़्यादा आपके खरपतवार होते हैं तो उसको उगने से पहले कैसे रोका जाए। तो किसान भाइयों, चलिए बात करते हैं धान के बारे में कि 24 से 38 घंटे बाद कौन सी दवा डालें कि आपके धान की फसल में खरपतवार उगे नहीं। तो किसान भाइयों, जान लेते हैं धान के खरपतवार की दवा के बारे में। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उस दवा का नाम जिसे डालने पर आपका खरपतवार खेत में निकलता नहीं है। तो किसान भाइयों, आप इस खेत को देख सकते हैं, ये मेरा ही खेत है। इसमें सीजेंटा कंपनी का रैपिड प्लस 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। चलिए किसान भाइयों, अब जान लेते हैं रैपिड प्लस का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए। तो किसान भाइयों, चलिए जान लेते हैं। किसान भाइयों, रैपिड प्लस सीजेंटा कंपनी का आता है। इसमें साल्ट की बात करें तो इसमें पैटीला क्लोर होता है। इसे आप रोपाई के 24 से 48 घंटे के अंदर आप अपने धान की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान देने वाली बात है, जिस खेत में आप रैपिड प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कम से कम 24 घंटे पानी रुकना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, रैपिड प्लस की बोतल 600 ml की आती है और ये एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। इसमें छोटा फुव्वारा भी लगा होता है, इसे आप अपने धान की फसल में छिड़क सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने रैपिड प्लस का अपने खेत में इस्तेमाल किया है तो ध्यान रहे आप उसमें जैम उर्वरक या किसी फंजीसाइड का प्रयोग न करें, क्योंकि उससे आपकी ऊपरी परत टूट जाएगी और खरपतवार आपका उग सकता है। तो किसान भाइयों, 8 दिन के लिए उस खेत में घूमें नहीं। तो किसान भाइयों, आप अगर ये चाहते हैं कि आपका खरपतवार उगे नहीं तो आप 24 से 48 घंटे के अंदर आप सीजेंटा कंपनी का रैपिड प्लस 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे फसल समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।